वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पर्पल एंड नायका हॉल, और इसमें प्रोडक्ट आपको 41 रुपीज़ से स्टार्ट रहेंगे और 500 के अंडर में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईलाइनर चूज़ किया है, जिसमें मैंने 5-6 टाइप के आईलाइनर है, और ये लैक्मे का लाइनर है। नेक्स्ट है ब्लू हेवन, इसके बाद LA18 और ये है AYA पेंसिल लाइनर। तो मैं AYA पेंसिल लाइनर का आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। इसका MRP 299 है और ये मुझे 130 रुपीज़ में मिला था। और ये जेट ब्लैक तो है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, पर इसके जो ब्रश हैं वो इतने थिक हैं कि वो आइज़ पे अच्छे से लग नहीं पाते हैं, वो इधर उधर थोड़ा फैल जाते हैं। नेक्स्ट है LA18 और इसकी MRP है 85 रुपीज़, ये मुझे 74 रुपीज़ में मिला था। और इसे 2-3 कोट लगाना पड़ता है और ये उतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लैक्मे ब्लू लाइनर लिया है और इसकी MRP थी 130 रुपीज़, ये मुझे 117 रुपीज़ में मिला था। और ये लाइनर अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, इस लुक पे भी मैंने ये लाइनर यूज़ किया है। नेक्स्ट है ब्लू हेवन का, इसमें मैंने 3 कलर लिए थे। ये पहला है ब्राउन कलर और ये इसकी MRP जो है वो 55 रुपीज़ है और ये मुझे 50 रुपीज़ में मिली थी। और इसके जो ब्रश हैं वो भी छोटे हैं, पतले हैं, तो लाइनर अच्छे से भी लग जाता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का ब्लैक लाइनर लिया है, तो इसमें मैंने ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन लिए थे, तीनों ही अच्छे लगे हैं मुझे, तो आप भी ये ले सकते हो। ये ब्लैक वाला मुझे 41 रुपीज़ में मिला था और बाकी ग्रीन और ब्राउन जो है वो मुझे 50 रुपीज़ में मिला था। वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेंदी है, तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखना। और ये ग्रीन शेड है ब्लू हेवन के लाइनर में। अभी आप देख सकते हो ये जो पेंसिल लाइनर था वो तो बहुत अच्छे से कवर है, और जो लैक्मे का और बाकी लाइनर है वो थोड़ा हट रहा है क्योंकि ब्लू हेवन वाला अभी ड्राई नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इसे छोड़ दे रही हूँ ऐसे ही। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लॉस में लिप ग्लॉस लिया है, इसकी MRP 199 है और ये मुझे 149 मिला था। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है और इतना इसका क्वांटिटी भी अच्छा है, तो मुझे लगता है 1-2 साल तो चल जाएंगे। और इसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का लिप बॉम, इसका MRP जो है वो 85 रुपीज़ था और ये मुझे 51 रुपीज़ में मिला था। तो मैंने 2 ले लिया था, एक स्ट्रॉबेरी में और एक बबल गम में। तो इसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन ये लिप पे लगाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं करता है, तो इससे बेटर मुझे बायोटिक का लिप बाम लगा। अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो, पर मुझे ये पसंद नहीं आया। और सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है LA18 का काजल और इसकी MRP है 90 रुपीज़, ये मुझे 78 रुपीज़ में मिला है। तो ये काजल जेट ब्लैक है और अच्छा भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके बाद मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नायका का लिपस्टिक लिया है और ये है विग्ड वाइन 07M, इसका शेड नंबर है 07M और इसका MRP है 399 और ये मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ में और ये मुझे गिफ्ट मिला था। और इसका कलर बहुत ही अच्छा है और ये जो है इसका कैप जो है वो मैग्नेट टाइप का है, तो ये अपने आप कवर हो जाता है। नेक्स्ट मैंने ये लोकल मार्केट से ही एक रेड लिपस्टिक लिया था लिक्विड,
और ये वाटर प्रूफ भी है, इसको बिना ये क्लिंजिंग वाटर के आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे NY बेकी लिपस्टिक, जिसका शेड नंबर है 6 और इसका MRP है 149 और मुझे ये पड़ा था 112 में। इसके बाद दूसरा भी NY बेकी लिपस्टिक है, इसका शेड नंबर 12 है और ये भी सेम प्राइस में है। तीसरा भी आपका शेड नंबर 15 है और ये भी सेम था 112 में। फोर्थ मैंने लिया था NYB का क्रीमी मैट, इसका MRP है 125 और ये मुझे मिला था 88 रुपीज़ में और इसका शेड नंबर है 25। तो आप देख सकते हो ये सारे न्यूट कलर में हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इंडियन स्किन टोन पे। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट और इसके MRP है 349 और ये मुझे मिला था 314 रुपीज़ में। इसमें 10 कलर आपको मिल जाते हैं, आप इसमें मिक्स करके भी लगा सकते हो, सिंगल कलर भी लगा सकते हो, तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा लगा और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक को बनाने के लिए आप ये कर सकते हो कि लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद टिश्यू पेपर से एक बार टिश्यू पेपर लिप्स पर लगा के उसके ऊपर पाउडर लगा लो, तो उससे लिप्स जो है लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे पहला आपको स्वेच करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने पिंकिश टोन लिया था, अब मैं यहाँ पे लाइट पिंक टोन को स्वेच कर रही हूँ और मैं अभी टिश्यू पेपर से ब्रश को क्लीन भी करते जा रही हूँ साइड।